कहते हैं ना कि गहरे रिश्ते की शुरुआत अक्सर तकरार से होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा मेरे लाइफ की, लाइफ की नहीं कहूँगी, मेरे और मेरे एक दोस्त की। उसका नाम है तुषार, मेरा प्यारे दोस्तों में से, करीबी दोस्तों में से एक है। उससे जब मैंने पहली बार मिला था तो वो टाइम था शायद क्लास 9 में जब पढ़ता था तब। हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में, ज़्यादातर वर्धमान ज़िले में, एक रिवाज है ट्यूशन का, तो उस रिवाज को जारी रखते हुए क्लास 8 के बाद मैंने भी एक नया ट्यूशन ज्वाइन किया और उसी ट्यूशन में पढ़ता था ये मेरा दोस्त। जब पहली बार मिला था तो देखा कि एक लड़का है जो सबको मस्ती में रखता है, पर मुझे ये पसंद नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि आंखों में चूभना, ये लड़का मुझे ऐसे ही आंखों में चूभता था मेरे। क्यों पता नहीं, शायद ये सबका चहेता था इसीलिए मुझे जलन होती थी, शायद मैं इसका बराबरी नहीं कर सकता। ये मेरे सामने भी आता था तो मुझे एक ऑकवर्ड सा फीलिंग आता था, बाकी लड़कों से नहीं था, बाकी लड़के लड़कियां किसी से ऐसे नहीं थे। एक तो थी मतलब क्या बताऊं कि मेरे हर एक आंसर पे उसको कमेंट करना जरूरी था, क्योंकि वो मुझसे सुपीरियर खुद को साबित करना चाहती, उससे ही मुझे इतना जलन, मुझे इतना इशू नहीं था इस लड़के से। पता नहीं क्यों धीरे धीरे जब मिलता रहा, धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती रही, धीरे धीरे इस पर मेरा विश्वास होता। लड़का पढ़ाई में बेस्ट नहीं था पर मस्ती में बेस्ट क्लास है। वो लड़का धीरे धीरे मेरा दोस्त बनता गया और आज मेरे गिने चुने दोस्तों में से एक है। आप सोच रहे हैं मैं आज अचानक उस दोस्त की बात लेके क्यों बैठ गया। कारण है, लड़का अभी रेलवे में नौकरी करता है, अच्छा खासा कमाता है, कोलकाता में रहता है, एक अच्छी खासी लाइफ लीड करता है और वो बहुत दिनों बाद हमारे शहर में आया। यस, आई एम एक्साइटेड उससे मिलने के लिए। आज आ रहा है, कल मैं उससे मिलने जाऊंगा, डेफिनेटली मिलने जाऊंगा। बस ये स्टोरी आप लोगों के साथ सोचा शेयर करनी चाहिए तो मैंने शेयर कर दी आप लोगों के साथ। तो मेरा भाई है, उसके लिए सिर्फ यही एक लफ्ज निकलता है।